झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सूचनात्मक सार झारगोव साप्ताहिक समाचार। खबरों की शुरुआत 30 अप्रैल से। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचकर उनसे औपचारिक मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा की गई एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ अब जरूरतमंद लोगों को मिलने लगा है। 30 अप्रैल को रामगढ़ के एक बुजुर्ग मरीज को इलाज हेतु एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश और राज्य के श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश विदेश का दूरस्थ स्थान हो या फिर कोई गाँव या शहर, हमारे वीर श्रमिक अपनी मेहनत, लगन व शक्ति से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चला रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीर बीमारी योजना के तहत सिमडेगा जिले के 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। ये चेक मुख्यमंत्री ने एक महिला और एक छोटी बच्ची के उपचार के लिए सौंपा है। दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। अब रुख करते हैं 2 मई का, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की सौगात दी। सीएम ने रांची के धुरवा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय से उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जहां सामान्य परिवार के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों को भी आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों की पढ़ाई के लिए अब आपको पैसे की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब स्कूल से निकलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनना चाहेंगे, पत्रकार बनना चाहेंगे, इनकी भी पढ़ाई होती है और इन सब पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए उठाएगी। दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीएम के साथ देश और राज्य के मुद्दों पर चर्चा भी की। इसी दिन रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के 29,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं, जबकि 65 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के 26 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन व क्षेत्र भ्रमण हेतु नए वाहनों की चाबी सौंपी। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुँचाने पर बल दिया। अब एक नज़र 3 मई पर। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला के डुमरी में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर ट्वीट के जरिए गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने घायलों को प्रशासन द्वारा बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की भी बात कही। 3 मई को ही सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा स्थित श्री वंशीधर राधिका मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने राजकीय वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया। वंशीधर महोत्सव को व्यापक बनाने पर बल दिया। इस दौरान सीएम ने गढ़वा जिले को 797 करोड़ की 74 योजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम ने वंशीधर नगर में नवनिर्मित गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। एक कड़ी इस बार हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है कि आज बाबा वंशीधर के नाम से भव्य कार्यक्रम, भव्य उत्साह सरकार मनाए, ताकि जो इसकी गूंज है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें और उसको और बल मिले। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय झारखंड सरकार और भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची द्वारा आयोजित अप्रेंटिसशिप कॉन्क्लेव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के कौशल विकास के महत्व को रेखांकित किया।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आयोजित बिहार आई बैंक ट्रस्ट की बैठक में आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सेवा भाव से समर्पित होकर कार्य का मार्गदर्शन दिया। अब एक नजर 4 मई की खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के जिन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया था उनमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें पहली, छठी और नौवीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों का नामांकन होगा। आवेदन जमा करने की तारीख 2 मई से 15 मई तक निर्धारित है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिशन को सफल बनाने पर बल दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन की पहल के फलस्वरूप मानव तस्करी के शिकार राज्य के गरीब बच्चों को रेस्क्यू कराने में लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में पहाड़िया जनजाति की 11 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया जिन्हें बेंगलुरु से रांची लाया गया। अब करेंगे 5 मई की बात। संताली भाषा के महान साहित्यकार व आलोचक ओलचिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ओडिशा के मयूरभंज स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने पंडित रघुनाथ मुर्मू के योगदान को अविस्मरणीय बताया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गिरिडीह स्थित तमिलनाडु जैन भवन जाकर लघु पंच कल्याणक में भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सम्मेद शिखरजी जैन समाज के लिए सबसे अहम तीर्थ स्थल है जहां जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसके बाद राज्यपाल ने पेटांड गिरिडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का रुख किया जहां उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, दैनिक गतिविधियों, व्यायामशाला, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की बारीकी से जानकारी ली तथा छात्राओं को नियमित व्यायाम एवं अध्ययन के लिए प्रेरित किया। गिरिडीह से रांची लौटने के दौरान राज्यपाल ने चपरी बोकारो स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय का भी दौरा किया जहां उन्होंने बच्चों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया, साथ ही तथा वहां मौजूद ग्रामीणों से भी मुखातिब हुए। इस क्रम में राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने पर शोक संवेदना व्यक्त की तथा जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।